इस वजह से होती है राजीव और चारू के बीच अनबन। दोनों के करीबी ने किया खुलासा। वेल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चारू असुपा राजीव सेन के बीच पिछले काफी टाइम से अनबन चल रहा है। बीच में दोनों ने पैचअप भी कर लिया था, पर पैचअप के महज एक महीने बाद फिर से दोनों ने एक दूसरे को लेकर मीडिया में स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, जहां चारू ने कहा कि उनके हस्बैंड ने उन्हें करवा चौथ के दूसरे दिन ही ब्लॉक कर दिया और उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है। वहीं राजीव मीडिया को चारू के मेंटल कंडीशन के बारे में बताते नजर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। वहीं वो अपनी वाइफ को ड्रामा क्वीन तक बोल देते हैं। दूसरी तरफ इनके फैंस और फॉलोअर्स भी इनके रोज़ रोज़ हो रहे झगड़े से पक गए हैं और उनका ये तक मानना है कि दोनों पब्लिसिटी या फेम पाने के लिए झगड़े करते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल इनके बीच हो रहे झगड़े पर उनके क्लोज पर्सन ने मीडिया में एक बार दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताई थी। जी हाँ, उनके मुताबिक इनके बीच इश्यूज शादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। क्लोज पर्सन का ये भी कहना है कि दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिससे दोनों में नहीं बनती है और मैरिज में इश्यूज होते रहते हैं। घर वालों ने भी उनके झगड़े में इंटरफेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों मैच्योर हैं और अपने झगड़े खुद सॉल्व कर सकते हैं। वेल, दोनों ही मैच्योर हैं, अपने लिए क्या सही है दोनों को बेहतर पता है। दोनों के फैंस को तो यही कहना है कि दोनों वापस एक हो जाएं। क्या कहना है आपका चारू और राजीव के रिश्ते पर, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।